ओके सो फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल पेपर फूड्स. कांग्रेचुलेशन फॉर बीइंग इन टॉप 11. क्या कहना चाहोगे, व्हाट्स द फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इंडल में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सबका ड्रीम होता है, जो भी सिंगर्स होते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जब गाने के लिए. इतने सारे महारथी जन आते हैं तो उनके सामने परफॉर्म करना सब कुछ एक बहुत स्पेशल चीज़ें होती है. तो बीइंग टॉप 11 मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत हार्डवर्क करूँगी और भी, ताकि मैं और आगे तक शो में जा पाऊँ. सेम एक्चुअली, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि मतलब इंडियन आइडल में ही आना, जैसा कि शंजुति ने बोला, बहुत बड़ी बात है. और हम तो टॉप 11 में आ चुके हैं और होपफुली हम टॉप 5 में भी जाएंगे फिनाले तक. और मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं. हमारा फोकस पूरा म्यूज़िक पे है और हमारी परफॉर्मेंसेस पे है. तो हम ज़्यादा सोचते नहीं, मैं तो नहीं सोचता, आई एम श्योर इतना नहीं सोचते, सिर्फ अच्छे से गाना गाए. बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि अभी जब आप बात कर रहे हैं हमसे तो हमको पता लग रहा है कि हम टॉप 11 में पहुंच गए हैं. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाखों लोग ऑडिशन देते हैं और उसके बाद टॉप 11 में आना, इट्स अ बिग थिंग. शिवम आप बताइए. सेम जैसे इन दोनों ने कहा, मतलब शायद हम हमारे जगह पे कोई भी हो तो प्राउड ही फीलिंग होगी हर किसी के लिए, उसके लिए, उसके फैमिली के लिए. और सेम जैसे विनीत भाई ने अभी कहा कि आपने हमको पूछा, इसीलिए हमको ये इस बात का एहसास हो रहा है कि हम टॉप 11 में आ, बाकी वी आर एंजॉयिंग दिस जर्नी और अपना बेस्ट दे रहे हैं. और जो भी जो एलिमिनेशन हो रहे हैं उनके लिए दुख भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और लेकिन उनका भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड लोग, इतना सारा टैलेंट इस बार इकट्ठा हुआ है एक साथ. तो ऐसा आई थिंक किसी भी सीजन में ऐसा नहीं हुआ है. इसीलिए और शो की इस बार जो एक टैगलाइन हिट हो गई है, जो भी सेलिब्रिटी आता है वो बोलता है टैलेंट हो तो ऐसा, तो आई थिंक इसी वजह से, क्योंकि ये दिस इज द बेस्ट सीजन मेरे हिसाब से. मुझे लगता है ये बेस्ट सीजन, सही बात है. और ये चीज़ में मुझे लगता है कि मतलब इंडियन आइडल हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमको जगह दे रहे हैं. तो इसके बाद मतलब जो लोग भी एलिमिनेट हो रहे हैं उनका लाइफ अभी शुरू हुआ है, क्योंकि म्यूजिकली उनको बहुत आगे जाना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजर्स के पास जाना है, तो उनका जर्नी जब शुरू हुआ है यहाँ से. और कंपटीशन के एंगल से भी अगर देखें तो जो लोग हमको पूछते हैं कि कंपटीशन कैसा है, तो मतलब इतना सारा जब टैलेंट एक साथ हो तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन ही मिलती है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो जेलेसी, बिल्कुल भी जेलेसी तो यहाँ पे किसी को किसी से भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए. के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है, बहुत ही तगड़ा वाला, बहुत ज्यादा. और जो कोई अच्छा करता है हमको भी खुशी होती है और हमको अंदर से होता है कि यार हम भी इतना करें, अच्छा करें. वी आर वी हम हमेशा इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से, तो ये सबसे अच्छी बात है. मैं बोलूँ? हाँ प्लीज. मतलब मेरे लिए तो बहुत स्पेशल जर्नी रही है, क्योंकि मैं बचपन से इंडियन आइडल मम्मी पापा के साथ देखती थी बैठ के, और सपना था कि मैं इस मंच पे परफॉर्म करूँगी एक दिन इतने बड़े महारथी जनों के सामने. तो बीइंग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके मम्मी पापा का जो आशीर्वाद है, उनका जो मेहनत है, और मेरा भी खुद का भी मेहनत है, सब कुछ मिला के यहाँ पर आई. और उसके बाद जब मैं पहली बार मैंने ऑडिशन दिया, पहले राउंड में जजेस ने बहुत तारीफ़ किया था मेरा, थोड़े बदमाश गाया था मैंने स्टार घोषाल मैम का गाना. तो उसके बाद एक के बाद एक गाना, एक के बाद एक चुनौती एक्चुअली मिलती रही हमको, चैलेंजेस, क्योंकि कोई भी गाना मतलब दूसरे का जब गाते हम लोग तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको वैसे ही निभाना जैसे ओरिजिनल सिंगर ने निभाया है. तो हम लोग वही हर टाइम हम लोग चुनौती फेस करते हैं कि लता जी का गाया हुआ गाना हो या रफ़ी साहब का या फिर किशोर दा का, जब गाने मिलते हैं हमको तो उसको निभाना उस एक्यूरेट फील के साथ, एक्यूरेट सुर के साथ, लय जो भी है, जितने भी चीज़ें होती है म्यूज़िक में, तो बहुत चुनौती है. तो वो करते 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 अभी इस मुकाम पर आए हैं, टॉप 11 तक हम लोग सब आए हैं. तो बहुत स्पेशल है, बहुत कुछ सीखा है. हमारे जो ग्रूमर्स हैं नीरज सर, जयदीप सर, मंगल सर, इन लोगों ने इतना अच्छे से हमको ग्रूम करते हैं, हम लोग को ईच एंड एवरी टाइम हर सॉन्ग का परफेक्ट डिटेलिंग के साथ हमको बताते हैं. हमारे जो जजेस हैं नेहा मैम, विशाल सर, हिमेश सर, वो भी हमको बहुत गाइड करते हैं. तो बहुत स्पेशल रहा है मुझे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा. मेरी जर्नी एक्चुअली इंडियन आइडल में बहुत ही अप एंड डाउन रहे हैं मेरे, बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है मेरी, बिकॉज़ मेरा वापस से कम बैक हुआ इंडियन आइडल की वजह से, और मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही थी. और इस
जर्नी के बीच में आई लॉस्ट माई फादर, जो मेरे लिए सबसे जो वो इमोशनल मोमेंट था. तो आई थिंक उसके बाद भी मेरा शो में कंटिन्यू करना सबके लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है, और मतलब थोड़ा सा मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था, बट आई चोज दिस एंड आई एम ग्लैड कि मैं इंडियन आइडल का पार्ट हूँ और मैं उस चीज़ से बहुत इजीली निकल पाया, अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता. तो मेरे लिए ये जर्नी आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल जर्नी होगी, क्योंकि इसमें मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो नॉर्मल ऐसे कोई करना नहीं चाहेगा. बिकॉज एक साइड में मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ग्रेट चीज़ें हो रही थी, एक साइड में इतना बड़ा लॉस. तो आई थिंक थोड़ा इमोशनल था, बट उसी के साथ साथ इस शो ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि मैं शो का पार्ट हूँ और मैं उस चीज़ से निकल पाया इजीली. मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर जर्नी हो नहीं सकती है मेरी. और सबसे ख़ास बात जो ये है कि तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, सभी ने अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ फेस किया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आने का सभी का मकसद भी शायद एक ही है. और मतलब टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन जो मतलब यहाँ पे साथ में मिलके सभी का बॉन्ड, और जैसे विनीत भाई का मतलब जैसे सभी ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ देखा है, यू नो. तो जब इस एज में आके जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और आगे का सफ़र भी इसी पे बेस्ड होता है कि अगर आपने पहले शायद बहुत कुछ अच्छा किया है तब आपको ये मिल रहा है, और अभी आप इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो मतलब ये आई थिंक बहुत ज़्यादा आगे के सफ़र में हेल्प करता है, क्योंकि अभी करेंगे तभी वो आगे का वो मिलता है. टीम भी एक्चुअली सेम ही है हमारा. आई थिंक ऑफ स्क्रीन आपको TCT पे और अच्छे से देखने को मिलेगा. हमारी जो मस्ती होती है उसमें तो हम लोग मस्ती करते रहते हैं फुल, और सबसे मस्तीखोर तो हमारी टीम में विनीत ही है, क्योंकि हर टाइम मतलब इतना कुछ उसके लाइफ में हुआ है, और लेकिन इतना पॉजिटिव रहना और सबको चीयर करना मतलब बहुत बड़ा एग्जांपल है किसी के लिए भी. मतलब आई ऑलवेज से टू हिम, हर टाइम इतना चीयरफुल रहता है, सबको चीयर करता है और सबके साथ एकदम मिलजुल के रहता है. और हमारा तो मस्तीखोर सबसे यही है, सबसे ज़्यादा मस्तीखोर. तो बहुत मज़ेदार हमारा जो हम सबका जो बॉन्ड है वो बहुत ही आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स में थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे हम सब जब एक दूसरे को जानने लगे तो सबकी पर्सनालिटीज़ पता चली कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, किसको किस टाइप की बातें पसंद है. तो अभी आई थिंक हम सब एक दूसरे को जान चुके हैं और सब हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ रहें. इनफैक्ट हमने एक बार जब हमको ऐसा लगा कि सब एक साथ नहीं हो रहे हैं तो हमने एक मीटिंग की, हमने बात की कि हमको सबको एक होके रहना है, और क्या लैग हो रहा है हम लोगों ने जाना कि एक दूसरे का जो बॉन्डिंग होने में जो क्या लैग हम लोग कर रहे हैं. उसके बाद से हमने डिसाइड किया कि हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट सब साथ में करते हैं, एक बड़ा सा टेबल है. अब हम सब बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो चुके हैं, तो अब कुछ भी मतलब ऐसा मनमोटाव या फिर ऐसा कुछ भी किसी के मन में किसी के लिए नहीं है. अभी हम थोड़ा शांत दिख रहे हैं, बट वैसे हम जब ऑफ कैमरा होते हैं तो हम जितने हम छिछोरे हैं तो वो हालांकि कैमरे पे हम नहीं दिखा पाएंगे अभी, पर हम बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है. आई थिंक हम ये इंडियन आइडल की जर्नी जब पूरी हो जाएगी तो हम एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हैं. लेकिन हाँ, मैंने सबसे बात करके रखा है कि इंडियन आइडल की जर्नी खत्म होने के बाद भी कोई अलग नहीं होगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक साथ घूमने जाएंगे. सब मुंबई में रहेंगे, मुंबई में तो रहेंगे डेफिनेटली, बट घूमने भी जाएंगे, टूर्स करेंगे, म्यूजिकल साथ में काम करेंगे अच्छे अच्छे, बस यही करेंगे. बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए इंडियन आइडल में आना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. पॉजिटिव होप्स थी, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप इतना अचीव करने के बाद आपको वापस से ज़ीरो से शुरू करना, इट्स नॉट ईज़ी. और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी रिएक्शन होता है वो एक घंटे के अंदर पता चल जाता है कि क्या रिएक्शन है आपके लिए लोगों का. तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले आप आओ टीवी पे आओ, आप कुछ भी करो, रिएक्शन लोगों के पता नहीं चलते थे. आज वो है कि आप अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखते हो जहाँ पे आपको आप अगर बुरा रिएक्शन है तो भी पता चल जाएगा, अच्छा है तो भी पता चल जाएगा, और दुनिया को भी पता चलेगा कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं. तो
आई बिन वेरी लकी विद दैट कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने इतनी प्यार से एक्सेप्ट किया. इनफैक्ट इन कंटेस्टेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस के साथ आता हूँ और इन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी बॉन्ड इनके साथ वैसी बन पाएगी या नहीं, बट दे आर सो लवली कि इन्होंने मतलब मुझे एक बार भी वो फीलिंग नहीं है उन्हें दी कि मैं क्यों आ रहा हूँ इस शो पे. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, थैंकफुल टू दी ऑडियंस और सबको बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं कि इतनी प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया और वापस मुझे मौका दिया है सोनी ने. एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा विनीत भाई के लिए कि मतलब इन्होंने इतना कुछ देखा है अपनी लाइफ में, इतना इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी सिंस सारेगामापा और मतलब इतना इन्होंने कुछ देखा है और इतना सारा काम भी इन्होंने किया है, प्लेबैक किए हैं, एचआर सर के साथ इतना क्लोज रिलेशन रहा है इनका, बट ये कभी भी हमको वो फील नहीं होने देते कि यू नो ये कोई बड़े सिंगर हैं या फिर ऐसे, इन्होंने बहुत कुछ किया है, वेरी डाउन टू अर्थ और बहुत. हाँ हम लोग तो मजाक मजाक में शायद कभी उड़ाते भी हैं एक दूसरे की, लेकिन वो अलग बात है मस्ती मस्ती में, बट ही इज़ वेरी काइंड एंड वेरी गुड सोल और ही इज़ एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन एंड हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है. टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं दे हम इंडियन आइडल भी कभी कभी नहीं देख पाते क्योंकि हमारी रिहर्सल्स और ये सब चल रही होती है, शेड्यूल्स हमारा इतना पैक्ड अप होता है क्योंकि प्रमोशंस होते हैं, रिहर्सल्स होती हैं, बैंड रिहर्सल्स होती हैं, फिर ग्रूमिंग होती है, एक हफ्ता किधर निकल जाता है वो पता ही नहीं, मतलब पूरा एक हफ्ता भी नहीं मिलता हमको, तीन चार दिन ही मिलते हैं. आपने देखा होगा कि हम काफी सिंगर ऐसे हैं जो हम पांच पांच गाने गाते हैं सैटरडे संडे को, तो कोरस के पार्ट हमको करने होते हैं और सारे गाने हम जैसे होते हैं वैसे नहीं गाते हैं, गानों में चेंजेस होते हैं जो हमारे मेंटोर्स करवाते हैं, तो वो सब तो आफ्टर ऑल वो जो गाया हुआ गाना है वो अपने स्टाइल में वो लोगों तक कनेक्ट करना, इनफैक्ट सोने का भी टाइम हमको बहुत कम मिल पाता है सोने सोने क्योंकि रियाज करो, म्यूजिक सेशंस करो, गाना लिखो, गाना याद करो, चार चार पांच पांच गाने याद करो, तो कुछ और देखने का टाइम जेन्युइनली नहीं है इस वक्त. कई बार तो ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यार सोए कि रियाज करें या खाना या फिर खाना खाएं, तो बहुत वैसा होता है. क्योंकि वो इतनी पॉजिटिव है, इतना थके हो वो चाहे या कुछ भी कितना टायर्ड हो, हम किसी और को इमेजिन ही नहीं कर पाते, स्माइल करते रहते हैं वो और पॉजिटिव रहते हैं, जब भी वो होते हैं पूरे एपिसोड में वो लाइटन अप कर देती है मोमेंट को, वेरी 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 उनके हंसी से. और हिमेश जी इतने फन लविंग है, उनकी मस्ती चालू रहती है, वो कभी भी ना सैड नहीं होने देते सेट पे किसी को, और विशाल सर एकदम स्ट्रिक्ट और वैसे रहते हैं, तो आई थिंक जो भी चाहिए विशाल सर टू द पॉइंट एकदम बात करते हैं और जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं, जो नहीं अच्छा लगता है वो जैसे उनको कभी किसी की लव स्टोरी की बात होती है तो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो बोल देते हैं मैं नहीं बात करूंगा इसके बारे में, तो वो मतलब जिस जो कैरेक्टर्स हैं उनके वो वही प्ले कर रहे हैं और वो उसी की वजह से आई थिंक ये शो इतना चलता है क्योंकि दे आर वेरी रियल, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है. मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम उनको फैंस तो नहीं बोल सकते, वेल विशर्स हैं, वेल विशर्स हैं ऑब्वियसली, और हम यही चाहते हैं कि वो जैसे शिवम शेंजुति मुझे और बाकी सबको प्यार दे रहे हैं प्लीज कंटिन्यू रहे और ऐसे ही आप देखते रहिए कीप सपोर्टिंग. हाँ क्योंकि हमारा जब वोटिंग होता है वो वोटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, तो कीप वोटिंग फॉर अस क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. वोटिंग भी आप तभी करेंगे जब आप शो देखेंगे, सैटरडे संडे रात 8 बजे शो देखें, कौन से चैनल पे, सोनी टेलीविजन पे. इस बार वापस साथ आने का बहाना है क्योंकि मौसम म्यूजिक आ रहा है. थैंक यू.